हे गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग। सो हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर लिया था क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग। सो आज हम इस वीडियो में देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग के क्या होता है ओवरराइडिंग। सो बेसिकली ओवरराइडिंग हम क्या करते हैं कि जब हमारे जो बेस क्लास है ड्राइव्ड क्लास है, देन उन दोनों क्लासेस के अंदर हमारा जो मेथड है सेम हो, ठीक है, और हमें परफॉर्म करना हो कोई भी हमारी ड्राइव क्लास का फंक्शन बट बेस क्लास को छोड़ के, तो हम उसको ओवरराइड कर देंगे ताकि हमारा बेस क्लास का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट ना होने के बजाय हमारी ड्राइव क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। बिकॉज दोनों का नेम सेम होगा, पैरामीटर सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ये सी शार्प कंसोल के फोल्डर में, एंड इसमें हम एक नया फोल्डर बना लेंगे, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग। हम इस फोल्डर को ओपन करते सीधे हम वीएस कोड में, ठीक है। सो अब यहाँ पे नया हम एक टर्मिनल बनाएंगे, तो टर्मिनल से हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फटाफट से, ठीक है। सो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे .NET न्यू कॉन्सोल, ठीक है। हम बेसिकली कोर सी शार्प यहाँ पे कर रहे हैं, सो हम कॉन्सोल एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें फटाफट से बना लेते हैं एक नेम स्पेस एंड उसमें क्लास बनाएंगे एंड हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। सो मैं इसका नेम कुछ भी रख सकता हूँ नेम स्पेस का, लाइक मैंने ओवर राइडिंग ही इसका नाम रख दिया, ठीक। इसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। मैंने इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम जो हमारी मर्जी हो, एम राइडर मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। इसके अंदर हम एक हमारा जो है मेन मेथड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारा मेन मेथड बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसके लिए हमें दो क्लास चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, दो क्लास चाहिए उसमें। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक बेस क्लास, ठीक है, जो पेरेंट क्लास होगी। देन उसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर उसके चाइल्ड क्लास, ठीक है, जिसको हम सब क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारी बेस क्लास। सो जब भी हम बेस क्लास बनाएंगे, ठीक, सो सिंपल बेस क्लास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक क्लास एंड क्लास का नाम रख सकते हैं मेन ओवरराइड, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। सो ये क्लास हो गई। अब हम जो बेस क्लास होती है, हम हमेशा उस बेस क्लास के साथ हम एक कीवर्ड यूज करेंगे वर्चुअल, ठीक है, ये मैंडेटरी है। अगर हम ओवरराइडिंग परफॉर्म कर रहे हैं ओवरराइडिंग, तो इसके अंदर हमारा जो फंक्शन है वो, सॉरी, क्लास जो है हमारी वो एज अ वर्चुअल क्लास बनानी होगी हमें, ये कंपलसरी है बेस क्लास के लिए, ठीक है। सॉरी, ये हमें क्लास नहीं, हमें मेथड यहाँ पे वर्चुअल बनाना होता है, ठीक है। तो हम लाइक मैंने कोई मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नेम से, मैंने कोई मेथड बनाया, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड था। सो जो भी हमारा मेथड होगा हम उसे एज अ वर्चुअल क्रिएट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्लास को ओवरराइड नहीं कर रहे, हम उसके मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। सो हम उन मेथड्स को एज अ वर्चुअल बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हमारे जो है मेन क्लास थी हमारी, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक मेथड बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ राइट लाइन, एंड इसमें दे देते हैं बेस क्लास मेथड, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या होगा, ये वाला क्रिएट होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम एक दूसरी क्लास बनाएंगे, ठीक है, जो इसकी सब क्लास होगी, इसको हम करवाएंगे इनहेरिट, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया सब क्लास, ठीक है। तो अब जब सब क्लास बना दी, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन के साथ वर्चुअल यूज किया था, सो सेम फंक्शन के साथ हमने वर्चुअल यूज किया था, सो इसके जो फंक्शन है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ हम यूज करेंगे ओवरराइड कीवर्ड, ठीक है। तो ये डिनोट करेगा कि हमें कौन से मेथड को, जो वर्चुअल हमने ओवरराइड परफॉर्म करना है डिस्प्ले पर, ठीक है, और कौन से मेथड को हमें ओवरराइड करना है। सो ये ओवरराइड कीवर्ड हमें ये डिनोट करके बताएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं सिंपल, ठीक है, सेम फंक्शन, बट अब यहाँ पे हम लिख देंगे ओवरराइड, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन को ओवरराइड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सेम इसकी तरह ही एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है।
इसका मैं रख देता हूँ चाइल्ड क्लास, ठीक है, फंक्शन मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया। ये होंगे कर्ली ब्रेसेस होंगे, ठीक है। इसको यहाँ से कट करके हम एक मिनट के लिए यहाँ पे इसको ऐसे लगा दें, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो डिस्प्ले है हमारा ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये मेथड हमें ऑलरेडी ऊपर मिल चुका है, ठीक है। क्यों मिल चुका है? क्योंकि हमने एक नेम स्पेस के अंदर, ठीक है, दो पब्लिक क्लासेस के अंदर हमने सेम नेम से मेथड बना दिया, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, या तो हम इसके आर्ग्यूमेंट्स चेंज करें, मेथड ओवरलोडिंग का हम इसमें यूज करें। बट हमें अगर ऐसा ही करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओवरराइड करवाएंगे, ठीक है। ओवरराइड करवाने के लिए जो मेन क्लास है हमारी उसको इनहेरिट कर, उससे हम बना देंगे हमारी ड्राइव क्लास, ठीक है। सो हमने इसको इनहेरिट करवा दी, देखो वन रेफरेंस हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी सब क्लास है, ठीक है, हम जैसे मुझे ये यूज करना है, सो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसका एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा एस सी, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एस सी का मेरे को जो है डिस्प्ले कॉल करवाना है, ठीक है, सेम नेम है, डिस्प्ले कॉल करवाना है। अब मैं इसको प्रोग्राम करता हूँ रन एक बार, देखो अभी ये बोल रहा है मेन मेथड हमें चाहिए, तो ओके हमने यहाँ पे जो मेन है उसको बाय मिस्टेक हमने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आ गया चाइल्ड क्लास फंक्शन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फंक्शन हमारा चल गया, ठीक है। हमें क्या करना था, हमने ये ओवरराइड कर दिया, क्योंकि जब तक हमने इसको इनहेरिट नहीं करवाया था तो तब तक ये एरर दे रहा था कि दो पब्लिक क्लासेस के अंदर एक नेम से जो है ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। सो हमने इस चीज को हटाने के लिए यहाँ पे ओवरराइडिंग यूज किया है। सो ज्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल।